हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आखिर मिलर वेल्डर क्या होता है और इस मिलर वेल्डर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, मतलब इस टाइप का जॉब कहां पर मिलता है और इसका मारने के प्रोसेस क्या है, किस तरह से मारा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर आपका जगह थोड़ा कम होता है, यहाँ आप देख सकते हैं मैं जॉब मारा P91 का, ठीक है, P91 नहीं T91 है, मतलब P4 पाइप होता है, T4 ट्यूब होता है, तो ये आपका ट्यूब है 2 इंच का, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत जगह कम है, ठीक है, यहाँ एकदम बहुत जगह कम है, 100 से 150 भी जगह नहीं है, तो इस टाइप का जॉब आ जाता है कभी कभी, और भी ज़्यादा क्रिटिकल आ जाता है। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लेट एकदम ऊपर से नीचे तक है, ठीक है, तो इस टाइप का जॉब हो गया या फिर कॉयल का जो जॉब होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि वहाँ पर दिखता नहीं है, ठीक है, और हाथ भी घुसता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से क्या होता है उस ऐसे जगह में आपको दोनों हाथ से वेल्डिंग मारना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब दोनों हाथ से वेल्डिंग वहाँ पर मारना आपको पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अगर दोनों हाथ से भी वेल्डिंग मारना सीख गए फिर भी कुछ कुछ जगह में दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलर मतलब कांच शीशा लगा करके शीशा में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, शीशा से आप वेल्डिंग को देखेंगे, ठीक है, और आपको पाइप में वेल्डिंग मारना, मतलब हम लोग जैसे कि वेल्डिंग मारते हैं तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं ऐसे, हम लोग का जो हेलमेट रहता है उसी से दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन जो मिलर वेल्डर होता है जो इसमें हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर आप गिलास में लगा करके मार रहा है, तो इसी को मिलर वेल्डर कहा जाता है, ठीक है, और इसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा हाई होता है इंडिया में हो गया या फिर विदेश में भी। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर गिलास लगा दिया है, तो कभी भी इस टाइप का जॉब में देखिए सबसे पहले जहाँ जो जॉइंट है जॉइंट का थोड़ा नीचे रखा जाता है, अगर इस साइड से मारना है तो साइड में शीशा को लगाना पड़ेगा, तब शीशा में आप देख सकते हैं और वेल्डिंग मार सकते हैं। अगर ज़्यादा जॉइंट के पास में अगर ज़्यादा लग जाएगा फिर उसमें आर्गन टॉर्च जो है वो टच हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको नीचे रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस करके रखना है, नहीं तो वहाँ पर नहीं होगा, वो आपका टॉर्च टच हो जाएगा, तो थोड़ा सा पीछे साइड में रखना है और थोड़ा सा नीचे रखना है, नहीं तो आपका टॉर्च टच हो जाएगा, क्योंकि यार इतना ज़्यादा क्रिटिकल जॉब आता है बॉयलर में, कभी कभी हाथ भी नहीं घुसता है या टॉर्च घुसाने के लिए भी दिक्कत हो जाता है, हमने बहुत दिक्कत से हम लोग भी जॉइंट मारते हैं। तो अगर आप IBR है तभी आप मार पाएंगे, नहीं तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि यार IBR का जॉब देखिए सिर्फ इंडिया में ही होता है, मतलब IBR सर्टिफिकेट का इंडिया में ज़रूरत पड़ता है, विदेश में नहीं पड़ता है, विदेश में भी इस टाइप का बॉयलर होता है। अभी हम लोग देखे बांग्लादेश में करके आया, तो वहाँ कोई IBR भी नहीं होगा फिर भी चलेगा, वहाँ काम करके आया। तो देखिए तो इसमें जो सिस्टम है फ्रेंड्स, यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो जो आपका हेलमेट है उसका शीशा का ध्यान, मतलब आपका आँख जो रहेगा वो आपका डायरेक्ट ये जो शीशा है उसी में ध्यान रहेगा, ठीक है, वहाँ आपको देख करके और उधर हाथ आपको टॉर्च चलेगा, टॉर्च चलते रहेगा, उधर आपका वेल्डिंग होते रहेगा, ठीक है, यही से आपको दिख जाएगा, आप वो नीचे से ऐसे जैसे हम लोग टेस्ट मारते हो गए या फिर जॉब मारते हो वैसे नहीं दिखेगा। तो थोड़ा इस टाइप का जॉब ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए इसका पेमेंट भी ज़्यादा हाई होता है, और इसमें थोड़ा जो एक्सपीरियंस बड़ा वेल्डर है जो जो लोग आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथ से मारता है, ज़्यादा दिन पावर प्लांट में काम किया है या फिर जो कॉयल वगैरह हो गया, ठीक है, रिफाइनर में भी बहुत सारा कॉयल का काम होता है, ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग क्रिटिकल जो जॉब होता है उसको मारा है वही आदमी ये शीशा लगा करके मार सकते हैं, ग्लास में देख करके ऐसे मारना यार बहुत मुश्किल है सही में, ठीक है। तो आप भी कौन सा वेल्डर बनना चाहते हैं या कि आप भी मिलर वेल्डर बनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तब फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मुझे बहुत हेल्प मिलता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते लाइक करते हैं तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वेल्डिंग हो गया, तो कुछ इस टाइप का वेल्डिंग होगा, ठीक है, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।